नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेरेस किचन गार्डन और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज पर। दोस्तों, आज हम क्या कर रहे हैं कि आज हम अपने जो जिन गमलों में हमने मिर्ची लगा रखी थी, उन मिर्ची के प्लांट्स की आज रीपॉटिंग कर रहे हैं। रीपॉटिंग की हमें दोस्तों ज़रूरत क्यों है, तो आप देख सकते हैं कि इन गमलों में जो है मिट्टी तकरीबन निकल चुकी है। तो जो हमारा निजी तजुर्बा है, तो ये जो पॉली बैग्स है इसमें कोई ज़्यादा इनकी एज नहीं है। मैंने देखा है कि इनमें जो होल्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो जो हम इसमें पानी डालते हैं वो पानी जल्दी निकल जाता है और उसके साथ मिट्टी भी बाहर निकल जाती है। तो इसीलिए दोस्तों आज हम इन सब मिर्ची के प्लांट्स की रीपॉटिंग करेंगे। तो रीपॉटिंग दोस्तों कैसे करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये अगर चाहें तो सीधे हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो हमें इसके लिए जो पॉलीथीन बैग है इसको दोस्तों हमें फाड़ना पड़ेगा। इसको डिस्ट्रॉय ही ये होगा, क्योंकि इसको हम दोबारा रीयूज नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी दो जो प्लांट्स की रीपॉटिंग कर दी है। तो रीपॉटिंग का सबसे दोस्तों पहला फ़ायदा क्या है कि आपके जो कोई भी प्लांट है उसको एक नई मिट्टी मिल जाती है और उस नई मिट्टी में नए पोषक तत्व मिल जाते हैं। और उसी के साथ दूसरा रीज़न क्या होता है कि जब आप मिट्टी का फेरबदल करते हो तो इससे जो ऑक्सीजन बढ़िया मिलने लग जाती है। जो मिट्टी देखी, जैसे ये मिट्टी अब जम चुकी है, पूरी जमी हुई मिट्टी है, तो जब इसको हम रीपॉटिंग करेंगे, यहाँ से निकाल कर इस ग्रो बैग में डालेंगे, एक तो इससे नया घर मिल जाएगा और दूसरा क्या है कि मिट्टी में एक बार सारे हवा घूम जाएगी। तो आइए दोस्तों इसकी अब रीपॉटिंग करते हैं। तो रीपॉटिंग के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि नीचे हमने कुछ बिछा लिया है, जो मिट्टी इससे निकलेगी उसको भी हम दोबारा यूज़ में ला लेंगे। तो मैंने फ्रेश मिट्टी, जा कह लीजिए मैंने फ्रेश पॉटिंग मिक्स भी बना रखा है, जिसमें वो सॉइल 50% है, 30% जो मैंने लिया है कोकोपीट, बाकी का दोस्तों जो 20% है जो मैंने किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार की है वो है। तो इन सब का मिश्रण बना लेने के बाद आइए अब प्रोसेस शुरू करते हैं रीपॉटिंग का। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस बैग को आप काट लेंगे, तो अगर आप सीधे निकालेंगे तो आपका जो ये प्लांट है वो हिल जाएगा, तो हिलने से वो सूख जाएगा, दोबारा अपनी वो कंडीशन में नहीं आ पाएगा। तो ऐसे आप सारे बैग को किसी तेज चीज़ की मदद से फाड़ लें। अब आपने क्या करना है कि इसके साइड से थोड़ी थोड़ी सी दोस्तों मिट्टी निकाल लेनी है, ताकि आपका जो ये आसानी से इसमें जा सके। इस बात का खास ख्याल रखना है कि इस सारे प्रोसेस में जो ये सारा टूटने ना पाए। अगर ये दोस्तों टूट गया, यहाँ से अगर हवा लग गई जड़ों को, तो आपका प्लांट दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएगा। तो आपने बड़े ही प्यार से दोस्तों मिट्टी को खुरच लेना है थोड़ा थोड़ा सा, तो वहाँ तक ही जाना है, जहाँ तक देखना कि आपने कोई जड़ें ना हो इसकी। तो इसकी रूट्स का आपने ध्यान रखना है। तो ऐसे आप मिट्टी को थोड़ा थोड़ा साइड से निकालते जाएं। तो जब भी आप दोस्तों ऐसे किसी बने हुए प्लांट की, जो प्लांट आपको देखिए जो फ्रूटिंग दे रहा है, आप रीपॉटिंग करते हैं, तो आपने यह भी ध्यान रखना है कि आपका आप देखें कि आप इस पौधा ज़्यादा इस तरफ है, तो मैं इस तरफ की मिट्टी ज़्यादा निकालूंगा, क्योंकि इसकी रूट्स यहाँ पर हो सकती हैं। तो इस तरफ की मैंने जो है मिट्टी निकाल ली है, अपने ग्रो बैग को अंदर से जो सीधा कर लें। तो आपने जो मिट्टी निकली हुई है इसको इकट्ठा करके इसके नीचे डाल देना है। अब दोस्तों एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम ये नीम के जो सूखे हुए पत्ते हैं इसके बीच में क्रश करके डाल देंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा कि कोई हानिकारक कीड़ा वगैरह या फंगस वगैरह इसमें नहीं लगेगी। तो ये मैं कुछ दिनों पहले नीम के पत्ते तोड़ लाया था, इसको मैंने सुखा लिया छाँव में रखकर, तो अब ये भुरभुरे से हो गए हैं आप देख सकते हैं। तो इसके बीच में कुछ डाल लेंगे दोस्तों, और जो आपके पास बाकी बच गए हैं तो वो आप अपने इस पॉटिंग मिक्स के बीच में आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे फंगीसाइड का भी काम करेगा और पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। तो अब दोस्तों आप क्या करेंगे, स्लाइटली इस पौधे को उठाकर आप इसके बीच में रखेंगे। तो ये प्रोसेस आपने बड़े ध्यान से करना है,
कि ऐसा ना हो कि आपने इतनी मेहनत से पौधे को इतना बड़ा किया है, इस प्रोसेस के बीच आप इसको हवा ना लगा बैठें। तो धीरे से दोस्तों इसको उठाइएगा। तो आप इस काम में दोस्तों किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अब दोस्तों धीरे से आप इसके बीच में रख दें तो ग्रो बैग को आप बाद में ऊपर कर लें। दोस्तों ग्रो बैग का यही फायदा है कि आप ऐसे कोई भी इसमें जो पौधा है रिपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए अभी आप बाद में इसको ऊपर ले जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों ये पौधा आसानी से बीच में चला गया है। तो अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि साइड में जो जगह बच गई है, तो अब इसको हम को फिल करेंगे अपने पॉटिंग मिक्स के साथ। धीरे से आप इसको डालते जाइएगा बीच में। जो साइड्स खाली हैं उसको आप भर लेंगे। तो इसके साथ आप पौधे का बैलेंस भी बना लें। अगर लगता है कि आपका पौधा टेढ़ा था तो आप उसका बैलेंस भी बना सकते हैं। लीजिए दोस्तों, एक तो इसे पौष्टिक मिट्टी मिल गई और एक इसे नया घर मिल गया। तो अब आप इस प्लांट को, जैसे हमारे पास ये मिर्ची का प्लांट है तो इसको आप 2-3-4 साल तक भी चला सकते हो। इसकी हाँ बकायदा इसकी जो प्रूनिंग है, जो कटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इनकी जो 4-5 साल एज होती है, अगर आप इसे संभाल से रखें, ज़्यादा आप गुड़ाई वगैरह करते हो तो आपकी जो खुरपी या रंबा वगैरह है वो उसमें ना लगे, तो काफ़ी इनकी लाइफ टाइम अच्छी होती है। तो दोस्तों ऐसे मिट्टी डाल लेने के बाद आपने अब इसको इसकी जो पहले में लोकेशन है वहाँ पर रख देना है और पानी डाल देना है। तो आप जो आखिरी प्रोसेस है वो है पानी देने का। तो जैसे आप देखिए हमने पहले 3 गमलों की रिपोर्टिंग कर दी, तो अब इसको पानी हम तुरंत ही आपने दोस्तों इसमें पानी डाल देना है। पानी डालने में आपने देरी नहीं करनी, तो थोड़ा थोड़ा पानी आप इनको लगा दीजिए। सो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो कि आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार।